अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमा कौन हो सकता है? तुम देखो, मैं अभी बहुत परेशान हूं तो इसलिए मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। जाओ यहां से। शौक तो मुझे भी नहीं तुम्हारे मुंह लगने का, पर क्या करूं, केत की बीमार है, उसकी तबीयत इतनी खराब है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तुम तो जानते हो ना कि मैं एक डॉक्टर हूं। वरदान तिवारी की पत्नी, तुम जैसे नौसिखिए डॉक्टर से इलाज कराई है अपना। मैंने लखनऊ के सबसे बड़े साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर ग्रोवर का अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ले लिया है। बहुत नाम है उनका, तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो यहां से। डॉक्टर ग्रोवर ने भेजा है मुझे यहां। उन्हें कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा, उनके एब्सेंस में उनके सारे पेशेंट्स को मैं ही देख रहा हूँ। और हॉस्पिटल से जैसे मुझे पता चला कि केतकी तिवारी के नाम का अपॉइंटमेंट है, सुबह होते ही सीधे मैं यहाँ चला आया। और अब अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो चेक कर लूँ मैं उसे। बेकार में सबको परेशान करके रखा है, इसे कुछ नहीं हुआ आंटी, ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम करेगी ना, एकदम सही हो जाएगी। दिमाग की बीमारी तो हमारी सास को थी, देखिए न्यूरोलॉजिकली तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, ऐसी कोई बात तो समझ में नहीं आ रही है, पर मुझे लगता है कि इस घर में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से केतकी ऐसे स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। आई सजेस्ट कि उसे 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। या ऑब्जर्वेशन पे घर पे भी तो रख सकते हैं। लेकिन अगर एक दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कर भी दिया तो इसमें हर्ज क्या है? आकाश बेटा जी, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, बस हमारे केतकी को पूरी तरह से ठीक कर दो बेटा। अगर ये लोग केतकी को हॉस्पिटल ले गए तो मैं उसकी मांग में सिंदूर कैसे डाल पाऊंगी? फिर तो ये साबित हो जाएगा कि केतकी बिल्कुल ठीक है। सिस्टर, 3 PM के लिए EEG प्लान किया है, तो वो हिसाब से मैडम को रेडी कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मेरी बहुत ही खास दोस्त हैं, तो इनका खास ख्याल रखना है आपको। ये स्ट्रेचर किस लिए? सर वो इन्हें EEG के लिए लेकर जाना है ना, इसलिए यहाँ स्ट्रेचर रखा है। डोंट वरी वरदान, शी विल बी ऑलराइट।
मैसेज का टोन सुनकर वरदान को शक तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ? अगर उसने पकड़ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? सिस्टर, सर, ये लाइटर यहाँ पे क्या कर रहा है? ये स्टेचर पे पड़ा हुआ था। एक्चुअली सर, ये बॉर्ड बॉय शंभू का है। वो बीड़ी पीता है ना, वो स्टेचर शिफ्टिंग करते समय उसके जेब से स्टेचर पर गिर गया होगा। हॉस्पिटल स्टाफ से ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है? सॉरी सर, मैं पर्सनली शंभू की कंप्लेन करूंगी। उस वार्ड बॉय से कहिए कि आके लेके जाए इसे। जी सर। सर, ये फार्मेसी से ये दवाइयाँ आप ले आई। ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, जो करना है जल्दी करो। पता है मुझे, लेकिन उसके पहले तुम्हें केतकी को बेहोश करना होगा। चाय लगाओ। हाँ, ये फार्मेसी किधर है? आगे से राइट। हाँ राइट। रुको, ये किस चीज का इंजेक्शन है? वो उस डॉक्टर ने देने के लिए कहा है आपको, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए। लेकिन डॉक्टर आकाश ने तो कहा था कि हमें कोई दवाई नहीं देनी है, सिर्फ एक टेस्ट होना है, तो फिर ये इंजेक्शन किस लिए? आप एक काम करिए, हमारी बात डॉक्टर आकाश से करवा दीजिए। नर्स, ये अंदर से कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा?
केतकी, कौन सी चक्की का आटा खाती है, थका दिया दोनों को। कपड़े लेकर आओ, चेंज करके जल्दी। भेजा है तुम्हारे लिए ताकि राम जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। एक बात कहूं केतकी, उस दिन होश में नहीं था लेकिन आज पूरे होश में हूं। उस दिन मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं रहा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ मेरा भविष्य है या नहीं, लेकिन आज भी मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। और मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता केतकी। वरदान जी, लेटी रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। वरदान जी, यहाँ खतरा है। वो नर्स, वो उसे हम हॉस्पिटल के रूम में यहाँ सिर्फ मैं हूँ, यहाँ तुम सुरक्षित हो। ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है, कहीं से फिर से दौरा तो नहीं पड़ रहा? वरदान जी, वो नर्स, वो जहाँ से मार जाती है। वरदान जी, वो वरदान जी, केतकी मेरी बात सुन, यहाँ पे कोई नहीं है और मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। अब तक तो सिंदूर में मिले केमिकल का असर हो जाना चाहिए था, अगर केतकी ने मेरा नाम ले लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। केतकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। केतकी मेरी बात सुनो, केतकी कि क्या हो रहा है तुम्हें? केतकी क्या कर रही है? नर्स, दूर है तुमसे।
केतकी मैं हूँ वरदान। दूर हटो। केतकी छोड़ो मत। केतकी दूर हटो हमसे। केतकी केतकी मेरी बात सुन। अगर केतकी ने ट्रॉली पर से चादर खींच ली तो वरदान के सामने मेरा पर्दा फाश हो जाएगा। उधर आ गए। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।